अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फराह हसन एंड आई वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम पढ़ेंगे 5 प्लस जनरल नॉलेज का यूनिट नंबर 10, ऑपोजिट वर्ड्स। डियर टीचर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपोजिट वर्ड्स, यानी कि आज हम बच्चों को एक एक्टिविटी करवाएंगे जिसमें हम बच्चों को कलर्स के थ्रू यानी कि रंगों के ज़रिए ऑपोजिट्स वर्ड्स की पहचान करवाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेसन ऑपोजिट वर्ड्स की तरफ। सो द टॉपिक इज ऑपोजिट वर्ड्स। कलर द फर्स्ट लेटर, डू नॉट कलर द सेकेंड लेटर, नाउ कलर द थर्ड लेटर एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आपने कलर्स के थ्रू फिल करना है। जो आपको लेफ्ट साइड पे वर्ड्स दिए गए हैं आपने उनके ऑपोजिट वर्ड्स में कलर करना है। नंबर वन, हैप्पी। कासिम, व्हाई आर यू सैड? तो हैप्पी का ऑपोजिट क्या है? सैड। तो आप किस में कलर करोगे? एस ए एन डी। तो क्या बना? सैड, यानी के उदास। हैप्पी का मतलब होता है खुश और इसका ऑपोजिट होता है सैड यानी उदास। नंबर टू, फार। फार का मतलब क्या होता है? दूर। ठीक है, तो फार का ऑपोजिट क्या होगा? अब हम नंबर वन में कलर करेंगे एन, फिर हम दूसरा लेटर स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, फिर हम ई में कलर फिल करेंगे, फिर हम एक्स को स्किप कर देंगे और ए में कलर करेंगे, एंड देन हम जेड को स्किप करके आर में कलर करेंगे। तो फार का ऑपोजिट है नियर यानी नज़दीक। फार का मतलब होता है दूर और नियर का मतलब होता है नज़दीक। नंबर थ्री, शॉर्ट, यानी के छोटा। तो इसका ऑपोजिट क्या है? टॉल, यानी के बड़ा या लंबा। तो टी ए एल एंड देन एल, टी ए डबल एल, टॉल। तो हम टी ए डबल एल में कलर फिल करेंगे। आई कैन नॉट सी यू, यू आर वेरी शॉर्ट। यानी कि जो जिराफ है वो यहाँ कैट से कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं देख सकता, तुम तो बहुत छोटी हो। तो कैट आगे से जिराफ को कह रही है, हेलो मिस्टर टॉल। यानी कि जिराफ तो लंबा होता है ना, तो यहाँ पे शॉर्ट का जो ऑपोजिट है वो है टॉल यानी लंबा। नंबर फोर, कॉल्ड, यानी ठंडा। तो ठंडे का जो ऑपोजिट होता है वो होता है गर्म। तो एच ओ टी, हॉट, यानी गर्म। तो आप एच ओ टी को कलर के साथ फिल करोगे। नंबर फाइव, ड्राई। ड्राई यानी खुश्क। ठीक है, तो खुश्क का ऑपोजिट क्या होता है? गीला। तो यहाँ पे आप कलर फिल करोगे W E T, वेट, यानी गीला। नंबर सिक्स, स्लो, यानी आहिस्ता। तो आहिस्ता का ऑपोजिट क्या होगा? तेज। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे कलर F A S T, फास्ट यानी तेज। नंबर सेवन, बिग, यानी बड़ा। तो बिग का ऑपोजिट क्या है? स्मॉल, यानी के छोटा। तो यहाँ पे हम कलर फिल करेंगे एस एम ए एल एंड देन एल, यानी के बिग का ऑपोजिट होता है स्मॉल यानी छोटा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई रीड द वर्ड फास्ट, आई थिंक ऑफ माई फ्रेंड बिलाल। जब मैंने फास्ट का वर्ड यानी फास्ट का लफ्ज़ पढ़ा तो मेरे दिमाग में क्या आया? मैंने अपने फ्रेंड यानी बिलाल को सोचा कि वो तो बहुत तेज़ है, वो तो बहुत फास्ट है। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू रीड द वर्ड कोल्ड? तो आपने क्या सोचा जब आपने लफ्ज़ कोल्ड यानी कि ठंडे लफ्ज़ के बारे में पढ़ा? तो आपके माइंड में क्या आया? आपके माइंड में आया आइसक्रीम। आइसक्रीम तो कोल्ड होती है ना, ठंडी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एक्टिविटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।